आशीर्वाद किचन बस जेसीटी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं, कद्दू हलवा। कद्दू भी बोलते हैं उसको, कद्दू भी बोलते हैं, पेठा भी बोलते हैं। ये ऐसे होता है, ये देखो, इसको क्या करना, पका हुआ लेना, पीला कच्चा नहीं लेना, पका हुआ लेना। इसको मैंने क्या किया, 250 ग्राम के लगभग मैंने इसको छिलका उतार के इसको ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इसको कद्दूकस करना, मोटे तरफ, बारीक नहीं मोटा। आज देखो जब मैंने काट के रखा हुआ है, आपको करके दिखा देती हूं। देखो ऐसे। उसके बाद मैंने क्या किया, कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया, गैस को ऑन कर दिया। इसके ऊपर कढ़ाई के बीच में हम ऑलिव ऑयल, चाहे आप कोई भी घी ले लो, एक कड़छी के लगभग मैं डाल दिया। आप इसमें देसी घी भी बना सकते हैं। ये क्या है, हलवा कद्दू की मिठाई। देखो कैसे बनती है। एक कड़छी लगभग मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया। इसमें क्या क्या, जो कद्दूकस किया हुआ था मैंने, इसके बीच में डाल दिया, कढ़ाई के बीच में। इसकी मिठाई बहुत ही स्वाद बनती है। अब इसको हमने क्या करना है, 10 मिनट तक इसको ऐसे हिलाते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे। जब खूब पक जाएगा, इसका पानी सूख जाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बीच में क्या करेंगे, फिर मिल्क पाउडर डालेंगे, नारियल का बूरा, ये देखो नारियल का बूरा 2 चमचे के लगभग हम डालेंगे। मिल्क पाउडर ये भी 3 चमचे के लगभग डालेंगे। बाकी उसके ऊपर क्या करेंगे, बादाम की भी लगाएंगे, किशमिश लगाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। देखो 10 मिनट के बाद ये रोस्ट करके भून के देखो ऐसे बना। अगर चाहो तो आप थोड़ा सा मीठा रंग भी डाल सकते हो इसी रंग का, पर मैंने रंग नहीं डाला, नहीं। अच्छा अब क्या करेंगे, ये मिल्क पाउडर एक कड़छी के लगभग ये डाल देंगे हम। इसको हिलाते जाओ, थोड़ा डालते ना, हिलाते जाओ, छोड़ना नहीं। ये मावे का काम करता है, खोया डाल लो या मिल्क पाउडर डाल लो। आपकी मर्जी, खोया भी लेके डाल सकते हो, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, इसमें कोई नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये नारियल का भूरा, इससे क्या होगा कि और टेस्टी बनेगा। किस इसको लाते जाओ, लाना नहीं छोड़ना, साथ में लग जाए ना। अच्छा अगर आपने चीनी ज्यादा खाते हो तो ज्यादा डाल लो, अगर कम खाते हो तो कम। मैं तो एक कड़छी के लगभग डाल रही हूं। इसमें चीनी का बुरा भी डाल सकते हो बारीक करके, पर ऐसे भी डालो तभी ये सारी मिक्स हो जाएगी। चीनी डाल के थोड़ा सा इसको पका दें, एक आधा मिनट, सारी मिक्स हो जाएगी ना अच्छे तरीके से। देखो ना, एक मिनट में हो जाती है मैं। सारी मिक्स हो गई, साइडों में भी लेते जाओ ताकि साफ न लगे। हमारा एक किस्म का अभी तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद इसको लड्डू बनाएंगे, फिर उसके बाद स्वीट बनाएंगे।
अब इसको गैस को बंद करते हैं। ये देखो इसमें जो पेठे में बीज भी निकलते हैं ऐसे वाले, इसको क्या करते हैं फेंकते नहीं है, इसको तोड़ के इसमें गिरी निकलती है, वो जो गिरी होती है विटामिन भरपूर होती है, आप खा सकते हैं इसको, ये भी बड़े काम आती है। अब क्या करेंगे इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर इसके लड्डू बनाएंगे, फिर उसको गुलाब जामुन की शेप देंगे। देखिए थोड़ा सा ठंडा कर ले फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो हमारा ये ठंडा हो गया, उतना ठंडा जितना के हाथ में सहज है उतना ठंडा करना। ये देखो या ऐसे लड्डू बना लिया, लड्डू बना लिया, इसको रखते जाओ, बहुत ही स्वाद। आप बनाकर देखो, खाकर देखो, किचन में जाइए और कद्दू लेके आइए बाजार से पका हुआ पीला, कच्चा नहीं, फिर आप बनाकर देखो कितना स्वाद बनता है। ये देखो हो गया लड्डू। अब इसके क्या करेंगे देखो, ऐसे शेप बनाएंगे, गुलाब जामुन होता है ना वैसे, ऐसे इसके ऊपर हम क्या करेंगे देखो, बादाम की गिरी और किशमिश कुछ भी लगा सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। अब जो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा इसके ऊपर हम ऐसे करेंगे, अब इसको भी ऐसे शेप देंगे गुलाब जामुन। अब इसके ऊपर भी ऐसे, जी हमारे हलवा कद्दू पेठे की मिठाई बहुत ही स्वाद। जी देखो हमारे हलवा कद्दू की मिठाई, आप भी बनाकर देखिए, जाइए भागकर जाइए किचन में और लेकर कद्दू लेकर बनाकर देखिए कितना स्वाद बनता है, कैसे बनती है आप अपने कमेंट कीजिए। आशा करती हूँ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।